हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। माई सेल्फ विनोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डी फार्मा डिपार्टमेंट। टुडे डिस्कशन ऑन मिसलेनियस क्रूड ड्रग्स, जो कि हम पिछले वीडियो में इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने लिक्योराइस एंड गार्लिक के बारे में अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम पिक्रोराइजा, डिस्कोरिया एंड लिनसीड के बारे में अध्ययन करेंगे। बात करते हैं पिक्रोराइजा। इसका जो सिनोनिम्स होता है वो है कुटकी, कटवी, इंडियन जेंसियन। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ पिक्रोराइजा, पिक्रोराइजा शुष्क जड़ तथा राइजोम होता है जो पिक्रोराइजा कुरुवा नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसकी फैमिली होती है स्क्रोफुरारिएसी। रिपीट कर रहा हूँ, स्क्रोफुलारिएसी। इसका जियोग्राफिकल सोर्स और हैबिट है, यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी यह इंडिया में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर ऑफ पिक्रोराइजा। इसका पौधा बहुवर्षीय शाक होता है। अवस्था, पिक्रोराइजा क्रूड ड्रग्स, काष्ठीय जड़ अथवा राइजोम होता है। आकार वेलनाकार, सीधा हल्का मुड़ा हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। लंबाई इसकी 3 to 6 सेंटीमीटर होती है। डायमीटर लगभग 1 सेंटीमीटर होता है। वह सतह स्लेटी भूरे रंग का, रूट स्कार, स्काले लीप्स एंड लॉन्गिट्यूडनल व्रिंकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका जो गंध है वो अरुचिकर व विशेष प्रकार का होता है। इसका स्वाद अत्यधिक तीखा या बिटर होता है। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ पिक्रोराइजा। पिक्रोराइजिन, यह एक ग्लूकोसाइड होता है जो जल अपघटित होकर पिक्रोराइजेटिन तथा डेक्सट्रोज देता है। पिक्रोराइजा का तीखा स्वाद इसमें उपस्थित कुटकिन के कारण होता है। पिक्रोसाइट्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पाया जाता है। वेनिलिक एसिड, डी मैनिटोल, कुटकी स्टेरॉल, फेनोलिक ग्लाइकोसाइड एंड एपोसाइनिन पाया जाता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ पिक्रोराइजा। पिक्रोराइजा एज ए बिटर टॉनिक के रूप में यूज किया जाता है। जो एब्डोमिनल डिजीज होते हैं उसमें यूज किया जाता है। जॉन्डिस में और लीवर के जो अदर डिजीज होते हैं इनमें भी यूज किया जाता है। फीवर के ट्रीटमेंट में हम इसे यूज करते हैं। गुर्दे की पथरी के उपचार में यूज करते हैं। एज अ एबॉर्टिफेसियंट या गर्भपात कराने में हम इसे यूज करते हैं। जुलाब के रूप में या कैथेटिक्स के रूप में हम लोग इसे यूज करते हैं। पित्त के श्रावण की वृद्धि में हम इसे यूज करते हैं। मलेरिया के उपचार में, मासिक धर्म में रक्त स्राव की वृद्धि के लिए या ईमेनोगोग या उल्टी कराने के लिए हम इसे यूज करते हैं। एज एमेटिक, कुत्ते के काटने में एंटीडोट के रूप में इसे यूज किया जाता है। त्वचा के रोगों में इसे यूज किया जाता है। आँख की रोशनी बढ़ाने में भी पिक्रोराइजा का उपयोग किया जाता है। तो ये था पिक्रोराइजा। इसमें हमने केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट एंड यूजेस, बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है डिस्कोरिया। सिनोनिम्स ऑफ डिस्कोरिया, वाइल्ड याम, कोलिक रूट, रेमेटिज्म रूट एंड बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डिस्कोरिया। डिस्कोरिया निम्न पौधों से प्राप्त शुष्क राइजोम होता है। जो इसमें हम डिस्क्राइब करने वाले हैं इसके जो बायोलॉजिकल सोर्स हैं, इनमें से आप एक या दो याद कर सकते हैं। फर्स्ट है डिस्कोरिया विलोसा, डिस्कोरिया ब्राजेरी, डिस्कोरिया कंपोजिटा, डिस्कोरिया फ्लोरिवंडा, डिस्कोरिया डेल्टोइडिया। इन सोर्सेस से हमें डिस्कोरिया प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली इसकी डिस्कोरिएसी। जियोग्राफिकल सोर्स, ये अमेरिका, मेक्सिको तथा इंडिया में पश्चिम हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। डिस्कोरिया का पौधा आरोही होता है जिसमें ट्यूबर के आकार की जड़
तथा पत्ती के आकार का तना पाया जाता है। इसका ट्यूबर्स औषधि के रूप में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डायस्कोरिया। डायोसिन यह एक सपोनिन ग्लाइकोसाइड होता है तथा डायस्कोरिया का प्रमुख जो अवयव होता है या कॉन्स्टिट्यूंट होता है। डायोसिन डाई हाइड्रोलाइज होकर के डायोसजेनिन रामानोज एंड ग्लूकोज बनाता है। हेकोजेनिन एक्रिड रेजिन भी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ डायस्कोरिया। ये डायोसजेनिन का उपयोग अनेक स्टेरॉयडल ड्रग्स जैसे प्रोजेस्टेरॉन, विटामिन, सेक्स हार्मोन के सिंथेसिस में किया जाता है या संश्लेषण में किया जाता है।